मैं कलकत्ता से हूँ और गांव है हावड़ा उदय नारायणपुर। मेरा नाम नवीन पाल है और हम जा रहा है लद्दाख, और लद्दाख जाना जा रहा है और एक मैसेज लेकर जा रहा है। वो मैसेज पूरा इंडिया को देना चाहता हूँ। तो वही है, आप जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन भी क्यों, पूरा सारे इंडिया जो इतने सारे गाड़ी व्यवहार कर रहे हैं ना, कार हो बाइक हो, वही है पॉल्यूशन छरा रहा है बहुत। तो हम लोग साइकिल से जा रहा है लद्दाख, यही बोलना चाहता हूँ। जो बहुत सारे जो कार बहुत यूज़ ना करें, साइकिल यूज़ करें, तो ऐसे ऐसे होगा कि पॉल्यूशन कम होगा और भी फिटनेस भी अच्छा रहेगा। अभी तो हम लोग 12 सितंबर निकले हैं, अभी हुआ 19 दिन हो रहा है। पूरा कंट्री को यही ऐसे मैसेज देना चाहता हूँ। लद्दाख तो बहुत लोग जाता है, लद्दाख हम देख रहा है जितना दिन निकले हैं, आप देख रहा है गाड़ी बाइक से बहुत सारे जा रहा है। तो ऐसे करो, थोड़ा सा टाइम लेकर साइकिल से भी आओ, जो बंदा आ सके। आना तो बहुत कठिन है, हम लोग तो मैसेज कर रहे हैं, तो चाहे तो आ सकते हो, दिल करे तो आ सकते हो, और पॉल्यूशन भी बहुत कम होगा। यही मैसेज तो यही पूरा इंडिया को फैला देना, यही चाहता हूँ। मेरा नाम ठाकुरदास साजमोल, इंडिया में अभी मेरे को दासुदा नाम से ही पहचानता है। मैं हर साल साइकिल से बा पैदल घूम रहा हूँ। इस टाइम लेह लद्दाख जा रहा हूँ। मेरा पास एक मैसेज है, ऑक्सीजन इंडिया का वर्ल्ड में जो ऑक्सीजन का कमी है, वो ऑक्सीजन का कारण ही है जो पेड़ लगाना है, पेड़ ना करना है। इस मैसेज को लेके जा रहा हूँ। अच्छा हो तो गाड़ियाँ व्यवहार कम करने से, बैटरी गाड़ी और साइकिल पैदल जाने से बहुत अच्छा होगा, वो ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, मेरा सांस लेने का बहुत अच्छा होगा। ये बोल के मैं ये मैसेज लेके मैं चारों आदमी को साथ लेके मैं लद्दाख जा रहा हूँ। ये मैसेज सबको पहुँचाना चाहता हूँ, ये बोल के मैं। साइकिल के जाने से पॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए साइकिल लेके जा रहा हूँ।